हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी का आपका गद्यांश वाला हिस्सा, गद्यांश वाला पार्ट। और गद्यांश वाले पार्ट से आपकी कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाले हैं इस बार आपके वार्षिक पेपर में, वो आपको बताऊंगा। और इससे पहले 3 वीडियो में मैं आपको आपका निबंध पत्र और पत्रकारिता और काव्यांश वाला हिस्सा, ये मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो सिंपल आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको गद्यांश वाले पार्ट पर। और यहाँ पर जितने क्वेश्चन बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके इस बार एग्जाम में, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। अब बच्चे ये करेंगे सीधा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस पीडीएफ में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक्स्ट्रा हैं जो आपको याद नहीं करने हैं। तो पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखना है वो है मुंशी वंशीधर। मुंशी वंशीधर के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती है और क्यों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं बच्चों सबसे पहले, और मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है यही क्वेश्चन। तो मुंशी वंशीधर में स्वावलंबन, कर्तव्य निष्ठा, स्वाभिमान, ईमानदारी, निडरता, सच्चाई, धर्मनिष्ठा, विनम्रता, शालीनता की भावना का समावेश है। तो ये 4-5 गुण, इतने गुणों में से आप 2-3 गुण लिखकर आदि लिख दीजिएगा। इन गुणों का निर्वाह उन्होंने अनेकानेक बाधाओं का सामना करके भी किया है, इसलिए वंशीधर सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, ठीक है। वंशीधर का चरित्र हमें प्रेरणा देता है कि सदैव सत्य के मार्ग पर चलते रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। असत्य का प्रलोभन आकर्षक भी होता है और अत्यंत विचलित कर देने वाला भी, किंतु उस प्रलोभन में पड़कर व्यक्ति को कर्तव्य क्यों नहीं होना चाहिए। सत्य का मार्ग त्याग, कष्ट और तपस्या का मार्ग है, बहुधा इस पर चलने वाले वालों को स्वजनों से भी दुर्व्यवहार मिलता है। समाज और शासन उसे ही दंडित करते हैं, किंतु सत्य पर चलने वाले की ही अत्यंत अंततः विजय होती है। तो जब आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी मुंशी वंशीधर वाली, नमक का दरोगा वाली कहानी जो है, तो इसमें आपने अच्छे से उस पूरे करेक्टर को समझा होगा, किसके बारे में, वंशीधर के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ये जो क्वेश्चन है आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नमक का दरोगा जो कहानी है, या अगर आप टाइम होगा तो आप एक बार पूरी स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इसमें कोई क्वेश्चन आपको याद करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक वही क्वेश्चन था, और बाकी इस स्टोरी को अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, एक तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा इसको आप याद करो, बट पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप इसको एक बार पढ़ लो, ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको याद करो, बट अगला जो क्वेश्चन है उसको मैं बोलूंगा कि अभी वीडियो को रोक करके अभी के अभी इसको याद करो। मियाँ नसरुद्दीन को नान बायो का मसीहा क्यों कहा गया है? तो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये आपके इस बार एग्जाम में आएगा, और 100% गारंटी के साथ, ठीक है। 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी ये देखने को मिलने वाला है। तो आंसर देखते हैं इसका। मियाँ नसरुद्दीन को नान बायो का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह साधारण नान बाई नहीं है, वह खानदानी नान बाई है। उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला आती है। वह तुनकी और रुमाली जैसी पतली और महीन रोटियां बनाना भी जानते हैं। वह रोटी बनाने को एक कला मानते हैं। उन्हें स्वयं को इस कला का उत्साह कहना भी जचता है। उनकी बातचीत में एक कलाकार की आत्मविश्वास से भरपूर बेबाकी साफ झलकती है। उन्हें महान कलाकारों का सा पक्कड़पन भी है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका तीसरा जो प्रश्न देख रहे हैं आप, कि बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म हो गई? तो इसका आंसर देख लेते हैं। बादशाह का नाम आने पर लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की रुचि इसलिए कम हो गई क्योंकि वे सारी बातें सुनी सुनाई थी। परंपरा से सुनी सुनाई बातों की तथ्यात्मकता संदिग्ध थी। ना तो उन्हें उन सबका पूरा ज्ञान था, ना ही उन्हें इस सबके महत्व को कभी जानने की कोशिश की थी, और ना ही अब तक के जीवन में ऐसी बातों को बताने जाने जानने की उन्हें जरूरत पड़ी थी। इसलिए लेखिका की बातों से वो मुश्किल में पड़ गया और उन्हें दिलचस्पी कम हो गई, ठीक है। तो मेन था कि ये सब पहले से चलती हुई आ रही थी, तो इस वजह से उनको इतने इंटरेस्ट नहीं हुआ उनकी बातों में। अगला क्वेश्चन है, नान भाई से आप क्या समझते हैं? मियाँ नसरुद्दीन ने इस कला में किस प्रकार महारत हासिल की? ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नान का अर्थ होता है रोटी, चपाती, तंदूर में पकाई जाने वाली एक प्रकार की मोटी रोटी, ठीक है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की रोटियां पकाई जाने की कला नानबाई है। मियाँ नसरुद्दीन पुश्तैनी नानबाई थे।
अतः उन्हें अपने बाप दादा आदि परिवार परिवारिजनों से इस कला के गुण और बारीकियां सीखी थी। उन्हें 56 किस्म की रोटी पकाने में महारत हासिल थी। उन्होंने कठोर परिश्रम, लगन और निरंतरता निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने पिता से यह कला सीखी थी। अपने अनुभवों से उन्होंने इस कला को नए आयाम प्रदान किए थे। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपने याद करना है वो है, शिव शंभू की गाय किस बात का प्रतीक है? तो ये भी इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों आपके एग्जाम में। देखो ज्यादा से ज्यादा आपको मैं 10 से 12 क्वेश्चन बताऊंगा गद्यांश वाले इससे, ठीक है? अगर आपको सच में अच्छे नंबर लाने हैं तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। शिव शंभू की गाय भारतीय के सहृदय प्रेमपूर्ण सरल स्वभाव की प्रतीक है। लेखक ने उनके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहा है कि भारतीय अपने प्रताड़क शत्रु के विनाश पर भी उतने ही दुखी होते हैं जितने की अपने निकट संबंधी के। तो आगे का है, जैसे शंभू की वह दुर्बल गाय स्वयं को टक्कर मारने वाली गाय के चले जाने पर सारा दिन शोक के कारण भूखी खड़ी रही। यानी जब आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी शिव शंभू वाली, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाय उसको टक्कर मारती थी तो उसे वो परेशान थी, बट जब वो मर गई, ठीक है, तो उसके बाद वो सारा दिन भूखी खड़ी रही। उसी प्रकार स्वयं को प्रताड़ित करने वाले वायसराय के भारत से विदा होते समय भारतीयों का मन भावुक हो उठा था। तो वायसराय जब जा रहे थे तो भारतीय भी भावुक हो गए थे। तो ठीक उसी प्रकार हमारा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सभी धर्मों को अपनाया गया और सभी धर्मों का सम्मान भी किया जाता है, ऐसे हमारा धर्मों के समान ही हम लोगों का भी सम्मान करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, वायसराय विश्व के क्रूरतम शासकों से भी क्रूर था। लेखक ने इस बात को कैसे सिद्ध किया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। वायसराय विश्व के क्रूरतम शासकों से भी क्रूर था। लेखक ने इस बात को विश्व के क्रूरतम शासक कैसर, जार और नादिर शाह के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। कैसर और जार जैसे क्रूरतम शासक घेरने घोटने पर कभी कभी अपनी प्रजा की भी बात मान लेते थे। दिल्ली में कत्लेआम करने वाले नादिर शाह ने भी आसिफ जहां के प्रार्थना करने पर कत्लेआम रोक दिया था, किंतु वायसराय ने तो 8 करोड़ भारतीयों के गिड़गिड़ाने पर भी अपने बंगाल विभाजन का निर्णय को नहीं बदला। तो वायसराय थे जिन्होंने हमारे उसको चेंज किया था, यानी बदला बांटा था किसको, भारत बंगाल विभाजन को। अगला है, लॉर्ड कर्जन की कौन सी चाल उल्टी पड़ गई? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार कि लॉर्ड कर्जन की कौन सी चाल उल्टी पड़ गई। तो लॉर्ड कर्जन के मन में भारत में एक सुस्थिर और शांत शासन व्यवस्था देने की लालसा थी। वैर विरोध शून्य देश बनाकर वह इसका इतना बढ़िया प्रबंध कर जाना चाहते थे कि उनकी आने वाली अनेक पीढ़ियों तक के लोग चैन की नींद सो सके, आराम से शासन कर सके, परंतु उनकी बंग भंग की योजना उनके लिए सूली साबित हुई। देश शांत होने की बजाय और अधिक क्रांति की ज्वाला से धधक उठा, पूरा भारत उनके विरोध में खड़ा हो गया। ऐसी अशांति फैली कि शासकों की नींद और भूख हराम हो गई, ठीक है? बंगाल और जो बंग भंग उन्होंने करने की सोची थी वो उल्टी पड़ गई उसको। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मास्टर त्रिलोक सिंह की किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, ठीक है? जैसे नान बायो का मसीहा, ऐसी ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसको, ठीक है, विद गारंटी 100%। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों कहा है? तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से कहा था, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। ये शब्द शारीरिक घाव से कहीं अधिक मन पर लगने वाले चाबुक थे। मास्टर त्रिलोक सिंह ने ऐसा कहकर धनराम को मानसिक बल से क्षीण कर दिया। उसके मन में उन्होंने यह बात बैठा दी थी कि वह लोहार जाति का है और लोहा पीटने से अधिक वह कुछ और अच्छा कार्य तो कर ही नहीं सकता। कभी भी देखना, अगर बच्चों को हम कितना ही मार पीट ले, ठीक है, तो अगले दिन वो नॉर्मल रहता है, बट अगर हम वही मार पीटने की जगह अगर हम उसको 10 बातें सुना देना कि तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता, तो वो जरूर कोशिश करता है कुछ करने की। अगला क्वेश्चन, धनराम मोहन से सजा पाकर भी उसका आदर क्यों करता था? तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसके आंसर को भी। तो धनराम पढ़ाई में गोल था, मोहन कक्षा में सदा आगे रहता था तथा उसकी बुद्धि तीव्र थी। धनराम को 13 का पारा याद करना किसी पहाड़ जैसा लगता था। मोहन अपने शिक्षकों को दुलारा था शिक्षकों का दुलार था। मोहन की प्रतिभा और लोकप्रियता से धनराम भी प्रभावित था, उससे मित्रता को वह भी लालायित रहता था। साथ ही धनराम उसके पुरोहित खानदान से होने के कारण भी स्वयं को नीचा छोटा मानता था। इसलिए यदि मोहन मास्टर साहब के कहने पर उसे डंडे मारता या कान खींचता तो वह इसे मोहन का अधिकार मानता था तथा उसका आदर करता था, ठीक है? तो नॉर्मली रहता ही है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ने में अच्छा होता है तो उसको हमेशा आगे किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, स्पीति के बादशाह वायरलेस सेट का उपयोग क्यों करते हैं? तो स्टोरी आपने पढ़ रखी है अच्छे से आई नो, तो इसका आंसर देख लेते हैं। स्पीति के पहाड़ अत्यंत तो दुर्गम है, दूसरे 8-9 महीने तो यहाँ पर्वतों पर बर्फ जमी रहती है, आबादी बहुत कम है, जीवन जीने लायक परिस्थितियां है ही नहीं, बर्फ के कारण आवागमन नहीं हो पाता, संचार और परिवहन के साधनों की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, टेलीफोन या बिजली के तार भी नहीं है, अतः केवल वायरलेस सेट पर ही सूबेदार और बादशाह बात कर पाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मली पुलिस वालों के हाथों में देखा होगा जिससे वो आपस में बात करते हैं। अगले प्रश्न पर है, स्पीति के लोग आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा कैसे करते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर देख लेते हैं। स्पीति के लोग आक्रमणकारी से अपनी रक्षा के लिए अप्रतिकार का तरीका अपनाते हैं, वे उससे लड़ने के लिए एकत्र नहीं होते, बल्कि वे चांगमा का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर आंखें बंद करके वहीं बैठ जाते हैं, जब आक्रमणकारी या संकट गुजर जाता है तब वे उठकर वापस आ जाते हैं, वो लड़ते नहीं थे, छुप जाते थे। अगला जो क्वेश्चन है, स्त्री के चरित्र की बनी धारणा, इसको आप छोड़ दीजिए, अगला जो क्वेश्चन ये रहने वाला, रजनी के चरित्र की विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, रजनी के बारे में एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा ही आएगा, तो स्टोरी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। रजनी के चरित्र की विशेषताएं बतानी है, तो इसको देख लेते हैं। रजनी इस नाटक की नायिका है, इस नाटक की जिस कहानी को आप पढ़ेंगे, तो रजनी इस नाटक की नायिका है, उसके चरित्र का सबसे बड़ा गुण है संघर्षशीलता। ठीक है, वह अन्याय के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने में कुशल है, वह आत्मविश्वास से भरपूर तथा साहसी है, वह सत्य के लिए किसी से भी टकरा जाने का मादा रखती है। ठीक है, यानी दम रखती है, अपनी बात बेबाकी से रखने की उसकी आदत उसे साधारण नारी से अलग करती है, अपने जुझारू व्यक्तित्व एवं तर्कशील दृष्टिकोण के बल पर वह समाज के हर तबके पर अपना प्रभाव छोड़ती है, सच्चे अर्थों में वह आज की आधुनिक भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करने वाली नायिका है। क्लियर है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूमि के भीतर की भीषण गर्मी से चेल वाजू को बचाने के लिए क्या उपाय किया जाता था? तो आप छोड़ दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, चेजारो अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? तो इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। तो चेजारो अपने सिर पर पीतल, कांसे या अन्य किसी धातु का बना टोप या बर्तन पहन लेते हैं, यह टोप ऊपर से फेंकी जाने वाली रेत कंकड़ आदि से उनकी रक्षा करता है, खुदाई के बाद एकत्रित मलबा भी जब डोल या बाल्टी के सहारे ऊपर खींचा जाता है तब उसमें से गिरने वाले मिट्टी पत्थर आदि से भी यह तो उन्हें बचाता था। क्लियर है, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उससे पहले एक चीज कंफर्म कर लेते हैं कि कई बार रिकॉर्डिंग बीच में रुक भी जाती है, तो उसके लिए एक बार कंफर्म कर लेता हूँ इस बीच में किसी किसी वीडियो में। तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है चेजो क्या है? तो चेजो को समझ लेते हैं। मरुभूमि में, मरुभूमि यानी रेतली जमीन जहाँ पर कुछ उगाया नहीं जा सकता, रेत के नीचे संकरे गहरे कुएं जिसे कुई कहा जाता है, तो की खुदाई करने और एक विशेष तरह की चिनाई का काम चेजो कहलाता है, चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम। ठीक है, तो मेन जो आपने शब्द याद रखने हैं लास्ट वाले याद रखने हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, वर्षा ना होने पर भी कुएं में पानी कहाँ से आ जाता है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में जब कभी वर्षा होती है तब वर्षा जल की बूंदें रेत के भीतर नमी के रूप में एकत्र हो जाती हैं, नीचे खड़िया पट्टी के स्तर पर पहुंचकर ये अटक जाता है, पत्थर की तरह इस नमी को नीचे नहीं जाने देती, इसी स्थान पर कुएं की धार लगाई जाती है और पानी रिस रिस कर भीतर एकत्र होता रहता है, वर्षा हो या ना हो नमी के द्वारा बूंद बूंद करके रिसता हुआ जल लगातार मिलता रहता है, यह प्रक्रिया सदा चलती रहती है। तो ये आपने समझ लिया कि अगर वर्षा नहीं होती तो कुएं में पानी कहाँ से आता है। अगला है, मरुभूमि में वर्षा जल को कैसे मापते हैं? तो राजस्थान की मरुभूमि में वर्षा की मात्रा को नापने में इंच या सेंटीमीटर का नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है, रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं वरन भूमि में समाई वर्षा को मापता है, मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, तातुश कौन थे और उन्होंने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार ना आया होता तो उसको जीवन कैसा होता, उसका जीवन कल्पना करें और लिखे, या फिर तातुश कौन थे, उन्होंने बेबी हलदार की क्या सहायता की थी? तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है और लॉन्ग टाइम में बच्चों आपका क्वेश्चन आएगा ये। तो तातुश एक शिक्षक थे, कौन थे हमने पढ़ा, तातुश एक शिक्षक थे, और उसके बाद है, और बेबी हालदार उनके यहाँ घरेलू काम करते थे। लेखिका बेबी हालदार की जिंदगी में यदि तातुश का परिवार ना आया होता तो उसके जीवन निश्चय ही नारकीय हो ही रहा था ही रहा होता। तो
उसे पेट भर खाना ना मिलता, उसके बच्चों का ठीक से पालन पोषण ना हुआ होता। तातुस के घर आने से तातुस ने उसके बेटे बेटी का नाम विद्यालय में लिखवाकर उन्हें शिक्षित कराया। यदि वे वहां ना आते और विद्यालय में भर्ती ना होते तो शायद कहीं बाल मजदूर की तरह खट रहे होते। उसके बड़े बेटे को तो तातुस ने 80 जगह काम पर भी रखवाया। तातुस के घर आकर बेबी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बाहरी परिवेश में जिस प्रकार का व्यवहार एक अकेली और विवश महिला के साथ हो रहा था, हो सकता है उसे निराश हताश होकर बेबी कोई अनहोनी कर लेती। आगे देखते हैं इसमें। अनहोनी कर लेती, परिवार भीख मांगने को विवश हो जाता, शायद वे जूठन के लिए भी गिड़गिड़ा रहे होते। तो तातुस मेनली जो थे उनके अध्यापक थे या अध्यापक थे। फिर तातुस ने लेखिका को पहले ही दिन से बेटी का प्यार दिया। उसकी व्यवस्थाओं का कोई फायदा उसके घर वालों ने भी नहीं उठाया। जब बेबी से स्नेह और सहानुभूति रखते थे, तब तातुस के अनवरत प्रयास का ही यह फल था कि लेखिका स्वयं को सम्मानित महसूस करने लगी। उनकी नजरों के सामने रहने से ही जीवन की अनेक अवांछित स्थितियों से वह बच गई, अन्यथा शायद वह अपनी नजरों से भी गिर जाती। परिवार में पिता, पति और भाइयों के होने पर भी किसी ने उस अभागिन का साथ नहीं दिया, उसे सहारा दिया तो केवल तातुस ने। ठीक है, तो ये था उनकी जिंदगी पर तातुस का प्रभाव। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तातुस ने बेबी हालदार को लेखन कार्य के लिए कैसे बाध्य किया? ठीक है, तो ये आपने स्टोरी पढ़ी होगी, बाकी इस क्वेश्चन को भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आलो अंधारी, आलो अंधारी में लेखिका क्या संदेश देती है? तो आलो अंधारी में लेखिका संदेश देना चाहती है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है, उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने चाहिए तथा समाज को भी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखिका को अर्जुन दा के बंधु क्यों अच्छे लगते थे? तो इसको याद नहीं करना है, मेनली जो आपको मैंने ऊपर क्वेश्चन बता दिए उन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो इसके साथ बच्चों आपका जो गद्य खंड वाला ऐसा है वो भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में बस एक प्यार से कमेंट डालना, चाहे वो आपका पत्रकारिता से रिलेटेड हो, चाहे आपका निबंध हो गया, पत्र हो गया, पत्र लेखन हो गया, या फिर आपका संस्कृत पोर्शन, जो भी आपके किसी भी सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बाकी जिन्होंने अब तक इससे पहले वाली हिंदी की वीडियो नहीं देखी, सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप जिन वीडियो को नहीं देखा है उनको देख लीजिए अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। ऐसे आपको अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी जल्दी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स ऑलवेज फॉर यू।